देखिए दीवार में जहाँ भी अगर पेड़ को कोई सुरक्षित जगह मिल गई, छोटा मोटा छेद मिल गया, वहीं बरगद या पीपल उगाते हैं। अब इस दीवार में उगाया है बरगद का पेड़। अब बरगद के पेड़ को सुरक्षित बचाना हमारा काम है, मूल कर्तव्य है हमारा कि इस पौधे को सुरक्षित बचाया जाए, वही प्रयास चल रहा है। देखिए एक वृक्ष को बचाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। इस बट वर्गत वृक्ष को हमने सुरक्षित बचा लिया, ये दीवार में उगाया था। और देखिए इसको मैंने कल बड़ा प्रयास करके इसको निकलवा लिया है। इसकी जड़ें देखिए कितने विकास हो गई, कितनी बड़ी हो गई, कितना अच्छा विकास हुआ है। अब इस पौधे को हम उन्हें कहीं रोपित करेंगे, इसलिए कि हमारे माननीय महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस साहब और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात को अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि वृक्ष हमारे जीव हैं और इनकी रक्षा करना हम सबका परम दायित्व है, प्रत्येक मानव का, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण और पेड़ पौधों का संरक्षण होगा, रक्षा से ही रक्षा होगी। ये तो हमारा स्लोगन भी है, हमारा शीर्षक भी है। तो उसी रक्षा से रक्षा के उपक्रम में ही इस पौधे को हमने कटने नहीं दिया और बचा लिया है सुरक्षित। चलिए अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह के पौधे उगाते हैं तो उनको सुरक्षित निकालें और कहीं भी सुरक्षित जगह में फिर लगा दें। सरकारी ज़मीन में भी आप पौधे को रोपित कर सकते हैं, सरकार इस बात के लिए मना नहीं करती है, आप पौधा कहीं भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाइए, इनको संरक्षित करिए। जब ये संरक्षित रहेंगे तो मानव जीवन भी संरक्षित और प्रफुल्लित रहेगा। देखिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो कुछ सलाहकार जरूर आ जाते हैं। जब मैं इस पेड़ को दीवार से निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहा था तभी हमारे एक परिचित हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, वो आ गए और उन्होंने कहा अरे बेफालतू में भाई साहब आप इतना परेशान हैं, अरे अब नए नए स्प्रे तेजाब एल्कोहल आ गए हैं और अभी मैं ले आता हूँ और इस पेड़ की जड़ पर डाल दीजिए और इसको वो जल जाएगा, जड़ भी इसकी जल जाएगी वहीं पर। हाँ अब आजकल यही लोग बाग कर रहे हैं। तो हमने कहा उन्हीं लोग बागों को तो मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने उनको जलाया, पेड़ पौधों को इस तरह से जलाया, तो आप ये समझिए कि पृथ्वी भी जलेगी उसी तरह से और आगे हमारा वातावरण एनवायरनमेंट और प्रदूषण और पर्यावरण भी उसी तरह से जल के बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने इस दुनिया को, इस पेड़ पौधों को बचा के रखा तो वास्तव में यही दुनिया, यही पृथ्वी स्वर्ग के रूप में रहेगी और हम सबके लिए प्राणवायु ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगी। प्राणवायु ऑक्सीजन उत्सर्जित करने में जितना बड़ा बरगद और वट वृक्ष का योगदान है उतना तो जो आज हजारों रुपए ले रहे हैं एक एक घंटे के ऑक्सीजन चैम्बर, वो अगर मूल्य आप आंकेंगे तब आप इस पौधे की गुणवत्ता, इसकी महान जो कितना बड़ा हमको ये स्वास्थ्य लाभ दे रहा है बगैर पैसे के, हर पौधा, यही पौधा क्या है, बट वृक्ष ही क्या है, सभी ये पीपल पाखर जितने भी इस तरह के देव वृक्ष हैं उसी से तो हम सब प्राणवायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो चलिए साहब इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। अब अंत में एक और अपील, भाई अपील भी करना ज़रूरी है, इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को बचाना भी हमारा दायित्व है, उसी तरह लोकतंत्र को मजबूत करना भी दायित्व है। कल विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण, 7 मार्च और 10 मार्च को तो रिजल्ट आएगा, लेकिन 7 मार्च को 100% मतदान सभी लोग घर से निकल के करें और उसी उम्मीदवार, उसी राजनीतिक पार्टी को जिताएं जो वास्तव में प्रकृति पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाए। चलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और प्रकृति, पेड़ पौधे और ज्ञान चर्चा पे अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।